व्हाट सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन इस वीडियो में हम गेम प्ले वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं इस वीडियो में दो धांसू चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगा, जिससे आप अपने दोस्तों को चला सकते हो और उनके मज़े ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बना के दिखाने वाला हूँ वो ये है ऑटोमेटिक डोर, जिससे कि आप प्रेशर प्लेट पर खड़े होकर अपने आप दरवाज़ा खोल सकते हो और अपने आप बंद भी हो जाता है अगर प्रेशर प्लेट से हट जाओगे। तो ऐसे ही डोर मैं अभी बना के दिखाने वाला हूँ। और ये जो आप देख रहे हो, ये एक जगह जाने की जगह है, जिसको मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ पूरा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए अभी बनाना चालू करते। और इस ऑटोमेटिक डोर को बनाने के लिए ये सब सामान लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टिकी पिस्टन लगेगा और रेडस्टोन टॉर्च और सबसे इम्पॉर्टेंट रेडस्टोन डस्ट और स्टोन। आप कोई भी ब्लॉक ले सकते हो और एक प्रेशर प्लेट, जो कि आप कोई भी प्रेशर प्लेट ले सकते हो। ग्लास ये भी ऑप्शनल है। ये जो एंड के तीनों चीज़ें ये सब ऑप्शनल है, जो मर्जी आपकी लेना। बाकी उस पहले की जो तीन है वो सब कंपल्सरी है। तो सबसे पहले जो आपने ब्लॉक सिलेक्ट किया है उसको 2x3 के फॉर्मेट में लगा दो, इस तरीके से कुछ। ये देखो, ये हमने लगा दिया 2x3 के फॉर्मेट में। तो और उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ के तीन स्टिकी पिस्टन भी लगा दो, एक ब्लॉक छोड़ के। इतना याद रखना, अगर साथ में लगाओगे तो फिर काम नहीं करेगा आपका ये। तो और ये एक एक ब्लॉक का गैप छोड़ दिया, इतना हो गया। उसके बाद एक रेडस्टोन टॉर्च लगा दो नीचे, जिससे कि एक नीचे वाला जो पिस्टन है उसको पावर मिलेगी। ब्लॉक लगाओगे ऊपर तो बीच वाले पिस्टन को भी पावर मिल जाएगी, और अगर ऊपर रेडस्टोन लगा दोगे तो तीनों को पावर मिल जाएगी। तो ऐसे ही सेम चीज़ दूसरे साइड में भी करना। मैं करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। हमारा दूसरे साइड का भी काम हो चुका है। और उसके बाद हमको इधर दो ब्लॉक रेडस्टोन टॉर्च के एकदम फ्रंट में डिग करना है, और उसके बाद ऐसे ही टेढ़ा करके दो ब्लॉक डिग करना है। और ऐसे ही मैं जैसे कर रहा हूँ, बस आप फॉलो करते रहिए, आपका हो जाएगा। ऐसे करने के बाद ऐसे इतना याद रखना, कैसे भी करो आप, क्या बोलते हैं, ये ग्लास के आगे आना चाहिए और सामने वो रेस्टोन टॉर्च के सामने दो ब्लॉक डिग रहना चाहिए, और उधर से प्रॉपर कनेक्शन रहना चाहिए, वरना ये आपका वर्क नहीं करने वाला। आप चाहो तो पूरा खोद के जैसे तैसे बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा कंजूसी करके बना रहा हूँ। पता नहीं कंजूसी करके क्या आप लोग के लिए बना रहा हूँ कंजूसी करके, क्योंकि सर्वाइवल में आप लोग बनाओगे, मैं तो क्रिएटिव में बना रहा हूँ। आप लोग सर्वाइवल में बनाओगे, आपको आप लोग के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज तो रहेंगे नहीं क्रिएटिव जितने। और ये बात करते करते ये सब हो चुका है रेडस्टोन का काम। तो अभी हर जगह ब्लॉक से एकदम कवर कर देना है। तो चलिए अभी कवर करना चालू करते हैं। इधर आपको बिल्कुल ब्लॉक नहीं लगाना है, इधर लगाओगे तो कनेक्शन पूरा चला जाएगा, उसके सामने लगाना है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कवर भी कैसे करना है सब कुछ। ये देखो, इस तरीके से सब लगाना है, बस उसके सामने वाले ब्लॉक में नहीं लगाना है। इस ये ऐसा एल शेप जो है उसको रहन देना है खुला दोनों साइड में। और उसके बाद ये इतना काम होने के बाद दोनों प्रेशर प्लेट लगा दीजिए। और उसके बाद हैं ये क्या, वो खुला कि नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, चेक करने दो। अच्छा गाइज, मैंने अभी एक गलती कर दी थी जब ये हुआ है, और ये गलती आप मत करना कि इधर गोल्डन प्रेशर प्लेट बिल्कुल मत लगाइएगा, ये वुडन वाला लगाएगा। देख सकते हैं आप, ये वुड वाला लगाए तो ये खुल गया। अगर इसकी जगह पे मैंने जब गोल्ड वाला लगाया था प्रेशर प्लेट, तब नहीं खुला था। इसके लिए आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, समझ गए। अब ये मेरी तरह गलती मत कीजिएगा, मैं तो कर दिया। सो गाइज, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कवर कैसे कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले इसमें किया है, ये जो सामने वाला, इसको दिखाता हूँ मैं। इसमें जैसा मैंने कवर किया है एकदम अच्छी तरीके से, मालूम भी नहीं पड़ रहा उधर ऑटोमेटिक डोर है, कुछ रेडस्टोन का काम किया गया, वैसे आपको करके दिखाने वाला हूँ। मैं इधर स्टोन का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको इधर ढकना है, लेकिन ये जो है ये वाला ब्लॉक नहीं ढकना, इसके ऊपर से ढकना है, ऐसे ढकना है आपको। बाकी सामने वाला वो भी कैसे ढकना है मैं बता दूंगा आपको। ऐसा ढक लिए, ऊपर से आप चाहो तो ऊपर एक और लेयर लगा के एकदम ऊपर से भी ढक सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही तीन तीन ब्लॉक का ऐसे लगा रहा हूँ। तीन ब्लॉक ये हो गए, अभी भी नहीं मालूम पड़ा, इतना भी लगा दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा और मास्टरगिरी करनी है तो आप एक स्टेयर्स ले सकते हो। स्टेयर्स मैं इधर स्टोन की स्टेयर्स फिर से यूज़ कर रहा हूँ, और इधर आप स्टेयर्स लगा दो। इधर मालूम भी नहीं पड़ने वाला कि इधर कुछ रेडस्टोन का काम हुआ है,
ज़रा सा भी नहीं मालूम पड़ेगा, देखो एकदम छुप गया ना बिल्कुल। दूसरे साइड में भी ऐसे ही लगा लो, बस हो गया, छुप गया एकदम। और आप जो ये रेडस्टोन का काम जो हमने वो साइड में किया है वो आप ये साइड में भी कर सकते हैं, मतलब वही सेम चीज़ यही साइड में करना है। मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। तो गाइस इधर हमने दूसरे साइड में भी रेडस्टोन का जितना काम था वो भी कर लिया है। आप पीछे से भी ब्लॉक से इसको ढक सकते हो, लेकिन मैं नहीं ढकने वाला, मेरे को तो बस आपको दिखाना था। तो अभी बढ़ते हम नेक्स्ट चीज़ की ओर, धासु चीज़ नंबर टू। जो हम अगली चीज़ जो बनाने वाले हैं वो एक वुल फार्म है। और इसमें क्या है कि जो नीचे जो हमने ग्रास ब्लॉक लगा रखा है, जब शीप वो ग्रास खाएगी तब वो जो पीछे हमने कुछ सेंसर लगा रखे उसकी वजह से इनका जो वुल है वो अपने आप ही कट जाएगा। तो चलिए अभी इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा बनाते हैं इसको। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं जहां हम वो बनाने वाले हैं। तो इधर हमको पहले तीन ऐसे सीधे में तीन ब्लॉक खोदना है और नीचे साइड भी तीन ब्लॉक खोदना है। और उसके बाद पहले खोद लेते हैं, उसके बाद हमको इधर दो चेस्ट्स लगानी है, इधर दो और एक हॉपर उससे कनेक्ट करके लगाना है। ये हो गया हॉपर कनेक्ट, उसके ऊपर हमको रेल लगानी है और रेल आपको बैठ के लगाना है सब कुछ। और उसके बाद उसके ऊपर एक हॉपर माइन कार्ट विथ हॉपर लगाना है और उसके बाद आपको पूरा ढक देना है ब्लॉक से, इधर एक इधर दो। ये आखिरी वाला ब्लॉक जो है ना इसको छोड़ देना है, इधर आप चाहो इधर से क्योंकि आपको सामान लेना है, और इधर आप चाहो तो इधर आप ट्रैप डोर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर हमने ट्रैप डोर लगा दिया जिससे कि जाना आसान हो और ताकि कोई जा रहा हो वो नीचे ना गिर जाए इसके लिए। और उसके देखो ये जो है ये हॉपर रेल, उसके बाजू वाला जो ब्लॉक है उसको आपको डिग करना है और उसके आप ऊपर आपको ऑब्जर्वर लगाना है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगाना है, ऐसा लगाना है जैसे कि उसका एरो जो है वो उस तरफ हो और जो उसका मुंह है लाल कलर का जो पीछे रहता है वो पीछे साइड हो, वैसा आपको लगाना है। और जो इसका मुंह रहता है आंखें बनी रहती है वो सामने लगाओ। और उसके आगे आपको डिस्पेंसर लगाना है और उसके पीछे डिस्पेंसर के पीछे एक रेडस्टोन डस्ट लगा देना है बस। और उसके बाद आपको चारों तरफ से कवर कर देना है, मैं ग्लास से कवर कर रहा हूँ, आप जिस मर्जी पे कवर कर सकते हो। तो कवर करते पहले, तो इधर हमने गाइस चारों तरफ से कवर कर लिए है ग्लास से इसको। और नीचे जो है आपको ग्रास ब्लॉक रखना है, कभी दूसरा ब्लॉक आप नहीं रख सकते, ये कंपलसरी ग्रास ब्लॉक रखना पड़ेगा वरना काम ही नहीं करेगा। फिर मैं इधर क्या बोलते हैं शीप एग से स्पॉन कर रहा हूँ, आप चाहो आप क्या बोलते हैं रेल ट्रेन से या लीड बांध के सर्वाइवल में आप लेके आ सकते शीप्स को, और आप एक दो भी डालेंगे तभी चलेगा। मैं ज़्यादा डाला हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए काम। ओ गाइस मैं तो एक चीज़ तो भूल ही गया कि ये जो डिस्पेंसर है ये लगाए क्यों, इसके अंदर जो है हमारे को ये जो है वूल कटर, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अजीब सा क्या नाम है इसका, वो डालना है डिस्पेंसर के अंदर, उसके बाद हमारे को शीप अंदर डालनी। तो हमने उसको डाल दिए और जो शीप थे उनको हमने पहले जो डाले थे हमने उसको मार दिए हुआ था लगे, लेकिन चलो। और ये देखो ये आते खा ली, और खाते ही मैं दिखा नहीं पाया आपको, जब मैं डाल रहा था तभी खा लिए। तो इधर चेस्ट में आ चुके हैं क्या बोलते दो वुल, और जब ये वापस ग्रीन हो जाएगा तब ये जब ग्रीन हो जाएगा तब वापस से ये लोग खाएंगे, और जैसे ये लोग खाएंगे वैसे ही वो जो ऑब्जर्वर हमने नीचे लगाया है वो डिस्पेंसर को सिग्नल भेजेगा, डिस्पेंसर सीधा वॉल काट देगा हम लोग का। तो ये इसका फंडा है गाइस। तो अभी हम रिवील करने जा रहे हैं हमारा जो सीक्रेट मैप, बताया था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, वही हम रिवील करने जा रहे हैं। बहुत तगड़ी चीज है, पूरी देखना वीडियो। तो गाइस अभी टाइम आ चुका है इस दरवाजे के अंदर जाने का, अंदर तो मैं पहले जाके दिखा चुका हूँ आपको लेकिन पूरा नहीं दिखाया, अब चलते हैं पूरा दिखाने। तो चलिए अभी चलते हैं आहिस्ते से एकदम, ये दरवाज़ा हमने खोल दिया है और नीचे चलते हैं। ये दीवारों को आप इग्नोर करना गाइस, ये बदलने का टाइम नहीं मिला था। और ये है एक रेलवे स्टेशन जहाँ से हम जाने वाले हैं, और इधर हमने पूरा सिस्टम बना रखा है, इधर लीवर नीचे करो इधर रेल हाजिर, और इधर रेल पर राइड में क्लिक करो और लीवर को ऑफ कर दीजिए यार,
लीवर को ऑफ करने के बाद थोड़ा सा पुश लगाना पड़ेगा और इधर से एक्सेलरेशन मिल चुका है और हम इधर नॉलेज का 14 बनते हुए और उसके आगे आप बस व्यू इंजॉय करो ना यार, देखो कितना मस्त बनाया हूँ मैंने। और ये हमने एक स्टेशन बनाया है छोटा सा, इधर ब्रेक लेने का कुछ बनाऊंगा मैं बाद में, वो आपको अगली वीडियोस में मालूम पड़ जाएगा। इसका भी काम बाकी है, पूरा नहीं हो पाया है। आप बोलोगे इतना बड़ा बना दिया, अभी तो नहीं बोलोगे, अभी बोलोगे छोटी मोटी चीज़ें, बाद में जब देखोगे तब बोलोगे भाई क्या भाई कितनी खतरनाक चीज़ है। और इधर एक और माइनकार्ट आ रही थी क्योंकि भाई चलती रहती है यार ये सब, क्या करूँ जब मैं उतरना रहता है कभी कभार दूसरा क्लिक हो जाता है, तो चलती है चलने दो। और आप बस व्यू देखो, और तो हम इतने ऊपर आ गए, बहुत ये बहुत हाइट पे आए बनाए हूँ मैंने, बहुत मेहनत लगी है गाइस, एक लाइक तो कर ही सकते हो इसी बात पे। और ये आप व्यू देखो गाइस, क्या मस्त नज़ारा है भाई, दोनों तरफ एकदम मस्त व्यू है भाई, पीछे भी व्यू आगे भी व्यू, व्यू भी व्यू है भाई। जब ही तो मैंने ये जगह को पर्सनली चूज करके बनाया पूरा, ये स्काई रैपर, स्कैरे पर ही बोलते हैं ना क्या मालूम। और इधर मैंने थोड़ा एक्सेलरेट करने के लिए जो पावर ड्रेल रहती है ना वो बहुत कम लगाया हूँ, क्योंकि उससे जो है वो ट्रेन जो है स्पीड से चलती है माइनकार्ट, लेकिन हमको एकदम आहिस्ते आहिस्ते पूरे नज़ारे देखते देखते जाना है, तो इसके लिए ये नॉर्मल रेल ज़्यादा लगाए, समझ लो 40 रेल के बाद 3 पावर ड्रेल लगाए बस। हाँ ये जो उतर रहा हूँ ना इधर से, बस इधर ज़्यादा लगाए। और ये हमारी जर्नी भी यहीं पे कंप्लीट होती है। और ये लीवर मैं बंद रखना चाहता हूँ, जब मैं चढ़ता हूँ तब इसको चालू रखना ज़रूरी है, जब उतरना रहता है तब बंद करना रहता है, लेकिन बंद नहीं किया अभी तो। खैर हमारी इधर ये राइड हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और मेरे नेक्स्ट चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जरूर से फॉलो कर देना। अगर आपको मेरे से कुछ सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जरूर से फॉलो कर देना और मेरे इस वीडियो को जरूर से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। और थैंक यू फॉर 90 सब्सक्राइबर्स, होने वाले 1 सब्सक्राइबर वाकई करवा दो। और ये जो है मैं वो जो आपको दिखाया नहीं था क्या स्टेशन, उधर ही मैं रह के आउट्रो कर रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।